प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट किए थे और इस लेक्चर में हम लोग 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाह रहे एक बार फिर से कि पहला स्टेप में होता है फाइंड द माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालना है। उसके बाद जब माइनर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाता है माइनर के हेल्प से। और जब हमारा कोफैक्टर जब फाइंड आउट हो जाता है तो उस कोफैक्टर को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वही फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या होगा, एडजॉइंट होगा। तो ये आप लोग का 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला में माइनर फाइंड आउट करना है ईच एलिमेंट का, और जब माइनर निकल जाए तो माइनर के हेल्प से कोफैक्टर निकालेंगे और फिर कोफैक्टर को हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है कि जो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें, और ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वही उसका एडजॉइंट होगा। तो चलिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का। अब इसका हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि उस मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2, 3 यानी टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो 9 माइनर्स निकलेगा और 9 कोफैक्टर्स निकलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। पहला स्टेप में सबसे पहले हमारा यहाँ पर ध्यान रखिएगा M11 जब फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग ध्यान देंगे जिस तरह से डिटरमिनेंट हम लोग सोल्व करते थे, अगर ये वैल्यू हमारा ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा रो यानी पूरा रो और पूरा कॉलम्स क्या होगा छूट जाएगा। तो क्या बचेगा 2153। यहाँ पर केयरफुली आपको लिखना है और इस तरह से M11 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 × 3 = 6 −5 × 1 = 5 और जो वैल्यू आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1, यानी 6 माइनस 5 1 आ गया M11 का। इसी तरह से M12 जब निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, और थोड़ा छोटा लिखना होगा, M12 यानी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। तो फिर इस तरह से आप मैट्रिक्स लिख दीजिए, यानी ये वैल्यू ले रहे हैं तो ये आपका पूरा छूट जाएगा, तो 0 1 0 1 और -4 3 −4 और 3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे M12, तो 0 × आपका क्या हो जाएगा 3, 0 0 माइनस और माइनस प्लस 4, तो यानी M12 का वैल्यू आ गया क्या 4 आ गया। तो यहाँ से M12 आपका आ गया, और सिमिलरली आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा M13 यानी 4 के लिए। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा 0 2 −4 5 0 2 −4 और 5। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा 8, यानी वैल्यू क्या आ गया 8। अब हमको इरेज करना होगा और सारा वैल्यू को नोट डाउन करते चलना होगा कि हमारा क्या क्या आ रहा है, क्योंकि अगर सारा हम लिखना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है कि यहाँ पर हम नोट डाउन, तो इसलिए हम क्या करते हैं M11 का वैल्यू यहाँ पर से नोट डाउन कर रहे हैं। M11 इक्वल टू हमारा क्या आ गया था 1, M12 का वैल्यू कितना है 4 और M13 का वैल्यू हमारा कितना है 8 आ गया। अब लोग हम इसी तरह से M21 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। M21 का मतलब ये वैल्यू लेंगे तो ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम खत्म हो गया, तो बच गया −2 4 −2 4 और 5 3। यहाँ पर जहां मिस्टेक होगा तो आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं, तो −2 × 3 − 5 × 4 आप कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आपका −6 और माइनस
यानी माइनस 26। अब m 21 आ गया तो m 22 हम चाहिए यानी इस वैल्यू का, तो ये आपका खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा g 14 माइनस 43 और इस तरह से आपका हो जाएगा 3 प्लस 16 यानी 19। और m 23 अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू m 23 हो गया, ये गया और ये गया, तो बचा 1 माइनस 2 माइनस 4 5 कैलकुलेट करेंगे हमारा आ जाएगा 5 माइनस 8 यानी माइनस 3। तो ये हमारा जो तीनों वैल्यू आ गया, अब यहाँ पर से लोग लिख लेते हैं m 21 हमारा कितना आ गया माइनस 26 m 22 हमारा आ गया 19 और m 23 आ गया माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे m 31 m 32 यानी लास्ट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m 31 यानी ये एलिमेंट को अगर लेंगे तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो माइनस 2 4 2 1 कैलकुलेट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा माइनस 2 माइनस 8 यानी हमारे यहाँ पर से कितना आ गया 10 माइनस 10 आ गया। और m 32 यानी थर्ड रो का सेकेंड कॉलम 5 लेंगे और ये खत्म हो गया 1 4 0 1 1 4 0 1 कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 0 ये हमारा क्या जाएगा 1 ठीक है। m 33 लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यानी ये लेंगे तो ये खत्म तो बचेगा 1 माइनस 2 0 2 1 माइनस 2 0 2 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जाएगा 2 माइनस 0 यानी 2। तो लिख सकते हैं यहाँ पर से हमारा m 31 का वैल्यू जो आ गया कितना आ गया माइनस 10 और m 32 का वैल्यू जो आ गया 1 और m 33 का वैल्यू जो आ गया 2 आ गया। तो अगर ये सारे वैल्यू में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आपका एडजॉइंट सही आएगा, अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो गलती होने का चांसेस है। अब माइनर जब हमारा फाइंड आउट हो गया तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे सारे माइनर का कोफैक्टर निकालेंगे। तो चलिए C11 1 प्लस 1 इवन नंबर नो चेंज, तो 1 का 1। C12 1 प्लस 2 3 यानी ऑड नंबर साइन चेंज हो जाएगा, 4 था तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4। C13 यानी 3 प्लस 1 4 नो चेंज, 8 का 8। C21 2 प्लस 1 3 ऑड नंबर तो ये माइनस 26 है तो ये क्या हो जाएगा 26। C22 इवन नंबर 2 प्लस 2 4 इवन नंबर नो चेंज। C23 5 तो 5 इज ऑड नंबर और दिस इज माइनस 3 तो साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 3। C31 3 प्लस 1 4 इज द इवन नंबर नो चेंज माइनस 3। C32 3 प्लस 2 5 दिस इज द ऑड नंबर सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू विद द चेंज यानी 1 से क्या हो जाएगा माइनस 1। C33 यानी 3 प्लस 3 इज 6 इज द इवन नंबर नो चेंज। तो जो आप लोग का अब हमारा कोफैक्टर को क्या करना है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 1 4 माइनस 4 और हमारा क्या हो गया 8 26 19 और 3 और यहाँ पर से क्या हो जाएगा माइनस 10 माइनस 1 और 2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे 18 तो 1 ये पूरा क्या हो जाएगा चेंज होगा 1 माइनस 4
और 8, 26 ये अगर चेंज होगा 26, 19, 3 और हमारा फिर क्या हो जाएगा माइनस ये वैल्यू चेंज होगा माइनस 10, माइनस 1, 2 तो ये जो वैल्यू हमारा आ गया इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए किसका तो इस मैट्रिक्स का यानी जो मैट्रिक्स आप लोग का दिया हुआ था उसका एडजॉइंट हमारा फाइंड आउट हो गया है तो आप 3 क्रॉस 3 जो 2 क्रॉस 2 से थोड़ा बड़ा था बड़ा होने का कारण क्या था उसमें 4 एलिमेंट था और इसमें सिर्फ कितना एलिमेंट है 9 एलिमेंट है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो चार स्टेप याद रखना है अगर आप चार स्टेप को याद रखते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप निकाल सकते हैं बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए एडजॉइंट 2 मार्क्स में आता है तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे जनरली आप लोग का सेकेंड ऑर्डर का देता है लेकिन अगर बाय द वे थर्ड ऑर्डर का भी दे तो आप इस तरह से मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू